What is, I mean, do you use bad words? Depends on person, to be really honest. मैं बिल्कुल गाली नहीं देती, मैं बहुत दूध की धुली इंसान हूँ. हिंदी में आई लाइक इट यार. ओके, डिपेंड्स अगेन. हिंदी में फील है, हाँ हिंदी में फील है. जो हिंदी में फ्रस्ट्रेशन निकलती है ना, वो इंग्लिश में नहीं निकलती. मम्मी पापा की जब लड़ाई हुई हो तो दी है हमने, मैंने वैसे रोज वैसे सामने किसी और की लड़ाई हो रही हो मम्मी पापा के साथ, तो फिर तो हम हैं जिंदाबाद सपोर्ट. Today we wrapped up a shoot, and after shoot, as we always do, a little bit fun and discussion. So introduce yourselves. Hi guys, what's up? This is Elina Chauhan, your MTV girl, and you all know I'm a runway model, ramwalk trainer, and a fashion choreographer, of course. And apart from that, I'm a government certified yoga instructor. Thank you. My name is Nisha और मैं editor हूँ जो इस video की editing करेंगे साथ. अच्छा. Hello guys, मेरा नाम यश है और मैं इस video में सब काम थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ. editing भी, story भी, anything जितने भी काम है मैं थोड़ा थोड़ा सब कर रहा हूँ. तो guys हम शुरू करते हैं आज का. अभी अभी हमने shoot pack up करा अपना, तो थोड़ी बातचीत देखते हैं क्या बात करते हैं. तो गर्ल्स मैं आपसे दोनों से पूछना चाहूंगा, आपका बैड वर्ड्स के बारे में क्या कहना है? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू बी रियली ऑनेस्ट. मैं बिल्कुल गाली नहीं देती, मैं बहुत दूध की धुली इंसान हूँ, बट अगर सामने कोई आ जाए तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ. दैट्स मी. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. दूध से नहाती हूँ मैं. यस, बहुत दूध है, बहुत अमीर हूँ ना मैं, मतलब बहुत दूध है मेरे पास. मैं उनसे नहाती हूँ और बिल्कुल साफ सुथरी रहती हूँ. गाली देती नहीं हो लाइफ में? मैंने बोला ना, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है. नहीं मतलब किस तरह का पर्सन होता है जिसको होता है कि गाली जो डिजर्व करते हैं ना, जिनके मुंह पे लिखा होता है कि गाली दो मुझे, जब कोई फालतू बोलेगा तो गाली क्यों नहीं है ब्रो, उन्हें आती ही मतलब फिर. हां एग्जैक्टली, जब वो देखे आते हैं, जब तक सामने वाला कुछ ना कहे तो हम गाली क्यों देंगे. उनके आते ही वेलकम बैक. ओह यार यार, ये कितनी ऑसम है यार. जाते आई एम सो सॉरी मामा, मैं गाली नहीं देती हूं, सॉरी मामा, प्लीज सॉरी. अब झूठ बोल रही है तू. ईशा नहीं, झूठ बोल रही है ये. हर बार एक नया झूठ बोलती है किशन, और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये किशन. मेरे एक बात तो बताओ कि मतलब इंग्लिश में गालियां देना पसंद है या हिंदी में? हिंदी में आई लाइक इट यार. ओके, डिपेंड्स अगेन. हिंदी में फील है, हाँ हिंदी में फील है. जो हिंदी में फ्रस्ट्रेशन निकलती है ना, वो इंग्लिश में नहीं निकलती, बिल्कुल भी नहीं निकलती. तो हिंदी में बोलो तो बैंक चोद का भी बहुत बड़ा मतलब होता है. मदर फकर सुना है, वो भी बाहर से आया है वो चीज. सिस्टर फकर इज नॉट फेमस. अब भाई के डैश नहीं बोल सकते हम ऑब्वियसली, राइट? इसीलिए whatever. So what is your favorite आराम से. मैं सीधा माधव चौक में जाती हूँ. अच्छा, आप सीधा माँ पे और करना आर न पास, सीधा माँ पे जाओ. I never बहुत ही ज़्यादा वो है, बहुत अपफ्रंट है, बहुत ज़्यादा. But we should talk about it. ऐसा टॉपिक है जो हर किसी की लाइफ में है, चाहे कोई छिपा के करे चाहे सामने से करे, बट है सबकी लाइफ में. गालियाँ सब देता है, कोई डेली सुनता है, सबका गाली सब देता है. ऐसा कोई नहीं है जो दूध का धुला हो. कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं. मतलब आपने मतलब अपने मम्मी पापा के आगे कोई गाली दे दी? नहीं, मम्मी पापा की जब लड़ाई हुई हो तो दी है हमने, मैंने वैसे रोज वैसे गाली दे दी. सामने किसी और की लड़ाई हो रही हो मम्मी पापा के साथ, तो फिर तो हम हैं जिंदाबाद सपोर्ट करने के लिए.
मेरा रोज का है। अच्छा वैसे आपने मैं रोज डाट खाती हूं। आपको याद हो तो सबसे पहला बैड वर्ड क्या सुना था आपने, जिसको पता लगा सुन के ये कुछ गलत है, यार मैं तो थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से सुन लिया था भैनचोद। तो मन मन में देती रहती भैनचोद है, मेरे किसी ने पेंसिल चुरा ली, भैनचोद है, भैनचोद है, ये तो भैनचोद है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब मन में तो बहुत पहले से रोक रहे हो, बाहर आने लगी है। बाहर भी आ गई थी बट वो थोड़ा टाइम लिया उसने। अच्छा बाहर ऐसे बोल नहीं सकते। अब आपने कौन सा सुना था सबसे पहला? ऐसी द मादर जो सुना था और कुछ नहीं सुना। भाई भाई जो सबसे पहले मेरी मां ने बोला है उसी दम आप ऐसे। वैसे ट्रूली स्पीकिंग मेरे को अच्छा नहीं लगता अगर कोई लड़की गाली दे तो। नहीं वो डरेगा, डरे ना डरेगा ऑब्वियसली, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों की ईगो पे जाती है चीजें। आपका मतलब गाली देगा वापस आएगा, आपको गाली देकर जाएगा और साथ में थप्पड़ भी मार के जाएगा। क्यों थप्पड़ मारेगा? क्यों मारेगा? नहीं सर वो तो सर ऑलरेडी चोर है, वो क्या थप्पड़ मारेगा? भाई तो उसको खुद पता होगा कि हाँ मैं खुद सामने से पिट जाऊंगा। आएगा गाली देने के लिए, गाली का जवाब गाली से और वापस मोबाइल। चोर चोर पे डिपेंड करता है। राइट, अगर वो प्रोफेशनल है तो वापस नहीं आने वाला, फिर तो फोन गया। तो लड़कियाँ क्यों नहीं दे सकती? लड़कियाँ क्यों पीछे रहे? सही बात है। यही नहीं अभी और सुनिए, इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बको बको खूब बको। चलो ठीक है वैसे, बट लिमिट्स में रहना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम हर जगह ये चीज ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। दिस जनरेशन थिंक्स दैट दिस इज वेरी कूल थिंग बट इट्स नॉट, but it it is not cool at all. That's the message I wanted to hear from you. Yeah, this is not cool. Oh, bhai, maro mujhe maro, maro mujhe maro, maro. It gives you like bad impression, जिससे आपका लगा जाता है, लोगों को लगता है गाली देके बहुत कूल बन रहा है। मैं चुकिया से ज़्यादा किसी को गाली नहीं देता। हाँ सर ये सर डिपेंड करता है कि जिस माहौल में हम बैठे हैं, जिस वाइब में हम बैठे वहाँ से। और जब भी मेरे मुंह से चुतिया निकलता है और मेरी वाइफ साथ में होती है देन शी मतलब मुझे बहुत गुस्सा करती है वो कि आपने चुतिया वर्ड भी क्यों यूज किया। मतलब मैंने अपने घर वालों को भी गाली सिखा दी है। हमें तुमने सिखा दी है, मेरे घर वालों ने मेरी हट जरूर देखना प्लीज, बहुत सारा प्यार देना हम सबको। बता देना कि आपकी फेवरेट गाली कौन सी और डेली एक बार और एक एक गाली जरूर देना लिख लिख कर। बिल्कुल मुंह भी को गंदा करना। एग्जैक्टली आई एग्री विद हर। बिल्कुल बिल्कुल बाय।